नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान मस्ती एजुकेशन चैनल। यह एक एजुकेशन चैनल है और इस चैनल पर आपको हिंदी ग्रामर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो विषयों से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक का ये दूसरा भाग। इससे पहले हमने सर्वनाम का पहला भाग अपलोड अपने कर दिया अपने चैनल पर, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस भाग में मैंने आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम को वहाँ मैंने पढ़ाया है। बाकी के जो बचे थे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इन सर्वनामों को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएगा। वीडियो को अगर आप अभी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा पूरे वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो भी हमारा मजेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और वीडियो भी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, पुरुषवाचक पढ़ा दिया। तो दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों सुनो कि जब यानी बेसर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा घटना का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, बेसर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु, स्थान तथा घटना का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा मैं लिख देता हूं कि बे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु, स्थान तथा घटना का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और समझो दोस्तों, यानी वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु, स्थान तथा घटना का बोध कराएंगे उन्हें क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे समझ लेते हैं, जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ये पेन किसका है? मेरा है। तो निश्चित पता है कि ये पेन किसका है? मेरा है। और देख लेते हैं, वह घर आपका, वह आपका घर। निश्चित पता है कि घर किसका है? आपका है। तो वह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है ऐसा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो समझ रहे थे दोस्तों, एक और उदाहरण से, बे तुम्हारी पुस्तक है। दोस्तों निश्चित पता है कि ये पुस्तक किसकी है? तुम्हारी है। वे पुस्तक किसकी है? तुम्हारी है। तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
आशा करता हूँ ये वाला निश्चयवाचक सर्वनाम समय में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों परिभाषा अपनी बन गई, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु स्थान तथा घटना का बोध नहीं कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु स्थान तथा घटना का बोध नहीं कराते हैं। वहां तो निश्चय अनिश्चय निश्चय में तो करा निश्चित वस्तु, लेकिन यहाँ निश्चित वस्तु स्थान घटना का बोध नहीं कराते हैं उनको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे समझ लेते हैं, जैसे कोई आ रहा है। दोस्तों कोई आ रहा है, अब देखो अब ये पता नहीं है कि आदमी आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, कोई वाहन आ रहा है, यानी पता नहीं है कोई आ रहा है, निश्चित पता नहीं है। तो वो जहां निश्चित नहीं बता हो तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखो और समझ लेते हैं, राम कुछ पढ़ रहा है। राम कुछ पढ़ रहा है, अब ये नहीं पता है कि गणित पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, या निश्चित नहीं पता हो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपके में समझ में आ गया हो, क्योंकि सरल है तो समझ में आ ही जाता है। तो समझ लेते हैं अगला चौथा वेद हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न वाचक सर्वनाम, समझ लेते परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं वो क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। एक बार समझ लेते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उनको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप बाजार से क्या लाए? आप बाजार से क्या लाए? तो यहां हमने क्या लगा? क्या प्रश्न पूछा, ये क्या हमारा सर्वनाम शब्द है। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। और देख लेते हैं, वहां कौन खड़ा है? वहां कौन खड़ा है? यहां प्रश्न पूछने के काम में लिया कौन, तो ये कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। दोस्तों समझ में आ रहा होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अगला। अगला है हमारा संबंधवाचक। कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, ये हमारा पांचवा है। समझ लेते हैं इसको थोड़ा फटने। यानी वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द किसी एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं। एक देता हूं परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो
एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं या कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बेसर्वनाम शब्द जो एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं या कराते हैं उनको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे समझ लो, जो पढ़ेगा वो पास होगा, यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा, या जो और वो दोनों जो क्या है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि एक उपवाक्य एक होगा एक उपवाक्य ही होगा, ये इस वाक्य से क्या करा रहा है संबंध करा रहा है, या ये वाला उपवाक्य इससे संबंध करा रहा है। और जब एक दूसरे से संबंध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोनों शब्द किसका करा रहे हैं, एक दूसरे उपवाक्य से संबंध करा रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। कौन से होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। एक और देख लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा कर भरोगे, यानी एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से क्या बता रहे हैं, संबंध, और संबंध करा रहे हैं जैसे और वैसा, जैसा वैसा दोनों ये शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। एक और ध्यान दे देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से क्या है, संबंध। तो इसमें संबंध जो करा रहे हैं वो जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ये शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आशा करता हूँ ये भी बात आपके समझ में आ होगा। और आज का जो अंतिम है हमारा इस सर्वनाम शब्द का, सर्वनाम का जो अंतिम भेद है वो है निजवाचक। कौन सा है दोस्तों, निजवाचक। तो समझ लेते हैं, निजवाचक यानी वे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो खुद या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। तो यहां मैं अपना या स्वयं, ये दोनों शब्द आए किसके लिए आए, निज के लिए यानी अपने लिए। वो कौन से सर्वनाम होंगे, निजवाचक सर्वनाम होंगे। अगला देख लेते हैं, सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपना सारा काम अपने लिए कर लूंगा, सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा। तो अपने आप कर लूंगा तो अपने लिए कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक होगा। दोस्तों एक और बात सुनो कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका भी प्रयोग होता है। कौन से में होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है। वो कैसे होगा, आप दिल्ली जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, इस तरह से होगा। और मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं अपना
मैं अपने आप कर लूंगा या मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा, मैं के साथ में आप आएगा, इस तरह से आऊंगा आएगा शब्द हुआ, इस बात को समझ लेना। आप यानी वो दूसरे के लिए होगा और यहाँ आप जो शब्द होगा वो स्वयं के लिए होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ निजवादक भी सर्वनाम आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए।